सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चेंज द ओसीएम सेंटर। ओके, तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड के फॉर्म फिलिंग के बारे में। ओके, आपको कुछ फॉर्म फिलिंग नहीं करना है, बस आज के वीडियो में बताऊंगी आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ओके, तो एक सर्कुलर आया है आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, इस सर्कुलर में साफ साफ कह दिया गया है कि जो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए, फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको ये फर्स्ट कॉलम, ओके, आपके लिए 15 दिसंबर से, मीन्स 15-12 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। ये फॉर्म फिलिंग स्कूल कॉलेजेस ही करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब उनके हाथ में था, वो सारी चीज़ें करेगी। ओके, उसके लिए आपको हर एक डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, ओके, आधार कार्ड एक्सेट्रा, जो भी कुछ रहेगा वो आपको यहाँ पर लाके सबमिट करना है, प्रॉपरली उन्हें सबमिट कर देना है। ओके, देन अप टू 1st ऑफ जनवरी, मीन्स सॉरी 4th ऑफ जनवरी तक ये रहेगा। ओके, तब तक इनके पास टाइम है फॉर्म फिलिंग करने का, तो आप भी रेडी रहिए। तो आप हाँ वहाँ किधर भी घूमे, स्कूल और कॉलेजेस जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा और फॉर्म फिलिंग करवा के लीजिएगा, कुछ मिस्टेक ना हो ऐसा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का है, ऐसा भी नहीं कि 11th और 9th 10th 8th है, तो ऐसा नहीं है, बोर्ड है इस बार। ओके, तो आपको सही सही करना है आपके लिए। फिर एक बार जो आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम दिख रहा है बाजू वाला, इसके अंदर रिपीटर स्टूडेंट वालों के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट है, प्राइवेट रिपीटर वालों के लिए, उनका फॉर्म फिलिंग 5th ऑफ जनवरी, मीन उनके बाद से, एक बार रेगुलर स्टूडेंट्स का हो गया उनके बाद से 5th ऑफ जनवरी से रिपीटर का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद उनका 18 तारीख तक, मीन 18 जनवरी तक उनका चलने वाला है, मंडे तक। ओके, ये सारा चलेगा। ओके, उसके बाद जो रहेगा 15 जनवरी के बाद, 15th ऑफ जनवरी के बाद और 25 जनवरी तक आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, लेकिन उसके पहले आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोग को मालूम रहेगा, आप लोगों ने 10th में भी, अगर आप 12th में हो भी, तो आप लोगों ने 10th में बोर्ड फीस भी दे रहेगी, मतलब बोर्ड एग्जाम लिखने की फीस, यहाँ पर भी आपको 12th में सेम बोर्ड फीस लगती है, वो बोर्ड फीस आपको इस फॉर्म फिलिंग के जरिए भरनी पड़ेगी। ओके, सो वो स्कूल वाले मैनेज, कॉलेज वाले मैनेज कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसके अलावा कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा कि आपको ये डाउट है, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, बाकी इसके लिए और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक